नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक्स की। जी हाँ, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आज और हम लोग प्री रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या आपको इसको उठाना चाहिए, कब इसकी रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होगी, क्या सारी संभावनाएं बन रही हैं, आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आधा वीडियो देख के अगर आप जाएंगे तो फिर मान के चलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि वीडियो पहले पूरा देखा करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए आप। इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, SHARBAZ कैपिटल में। कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि टिप से बच कर रहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करवा बैठेंगे, है ना। तो ज्वाइन कर लेंगे, आके न्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह यहाँ शेयर करता हूँ बस। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने NSE BSE दोनों को इन्फॉर्म किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, है ना, ये 31 मार्च का कब आएगा, ऑन मंडे 29 मई 2023। तो यहाँ पर आज 29 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज आपको यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। तो रिजल्ट जब आएंगे तो मैं उसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि गाइस यहाँ पर ये IRP की स्टेज वन में चल रहा है। IRP की स्टेज वन क्या होती है? पहली बात तो जहाँ पर आपको जिस शेयर में यहाँ पर IRP लिखा हुआ दिख जाए, आपको समझ लेना चाहिए कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। तो ये अपने जहन में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा आपके जहन में कि कंपनी डिफॉल्टर है, डिफॉल्ट किए हैं, वो लोन वगैरह नहीं अदा कर पाई है, इसलिए उसको उसकी इंसॉल्वेंसी हो चुकी है। यानी कि IRP का मतलब ही होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि कंपनी का ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और NCLT इसको अपॉइंट करते हैं, IRP इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं और वही कंपनी को रन करते हैं। यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट इस समय कंपनी को नहीं रन कर रहा होगा, तो जो रिजल्ट भी आएंगे वो जो IRP रन कर रहा होगा उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। अब स्टेज वन और जीरो क्या होता है? स्टेज वन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे ऑपरेटर्स आके उसमें एक्टिव हो जाते हैं और अपर सर्किट लगने लगता है, क्योंकि भाई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रखी है और वो भागे जा रहा है उसका शेयर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, ऑपरेटर उसमें एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पर जो इसको IRP स्टेज वन में डाल दिया जाता है और वहाँ पर मंडे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और मंडे ट्रेडिंग शुरू होने का मतलब उसमें लोअर सर्किट लगने की संभावना मान के चलिए 90 से 100%, मतलब 99% तो मान के चलिए रहती है कि 99% लोअर सर्किट ही लगेगा। और जब से IRP स्टेज वन में है तब से आपको लोअर सर्किट देखने को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जब IRP स्टेज जीरो लिखी हो तो इसका मतलब मान के चलिए कि भैया अभी ये रेगुलर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन तब भी रिस्क है क्योंकि IRP लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी हाई लो यहाँ पर आप देखिए लगी नहीं रहे, 1.87 रुपये पर ही चल रहा है। मार्केट कैप देखिए बहुत ही छोटा है, आपको पता है डेट देखिए मार्केट कैप से कितना ज़्यादा है, मतलब डेट टू इक्विटी 179 है, 1.79 नहीं लिखा हुआ, 179 लिखा हुआ, और जनरली 1 होना चाहिए ये, समझ रहे हैं बात को। 2494 करोड़ का यहाँ पर डेट है, बाकी सब तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं, प्रमोटर देख ही रहे अपना माल बेच के निकल चुके हैं सब। सेल्स की बात करिए देखिए यहाँ पर 248 करोड़ की दिसंबर में आई थी, उससे पहले 275 करोड़ उससे डाउन, और यहाँ से थोड़ी सी पड़ी है फिलहाल। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 करोड़ का प्रॉफिट आया था, लेकिन उससे पहले सब लॉस 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 लगातार है, यहाँ से देखिए कहीं सब जगह लॉस ही लॉस है। ईयरली लेवल पे बात करेंगे सेल्स तो आपको देखेगा 1073 करोड़ का है अभी तक का फिलहाल, पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में ज़्यादा है, और यहाँ से आपको 2-3 सालों में अपट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल लॉस ही आपको दिख रहा है पिछले 3-4 सालों में अच्छा खासा, और लॉस ही है तभी तो अपने कर्ज नहीं चुका पा रही कंपनी। रिजर्व भी कंपनी बिल्कुल मेंटेन नहीं करती, आप देखिए यहाँ पर एकदम खाली है। तो ये सारी चीज़ें FII आप देखेंगे और DII आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है ना 0.12 था, और उसके बाद यहाँ पर 0.22 था FII, और वही अभी फिलहाल है, इन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये भी नहीं निकल पा रहे होंगे, रेगुलर ट्रेडिंग हो ही नहीं रही, लोअर सर्किट लग जाता खुलते ही। वॉल्यूम की बात करेंगे लेकिन देखिए IRP स्टेज वन में होने के बाद भी वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, 4 लाख का वॉल्यूम भैया 1 वीक का एवरेज है। यस्टरडे की बात करेंगे 6 लाख का, ये पिछला वो है, और टुडे की बात करेंगे तो 4 लाख, ये भाई वीकली वो हो रहा है, तो आप समझिएगा वीकली के हिसाब से ये मामला रहता है। अभी रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो रही तो फिर इसमें आपको उठापटक दिखेगी जब रेगुलर ट्रेडिंग चलेगी। लेवल की बात करें गए तो देखिए जनरली कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोअर सर्किट आपको लगभग लग चुके हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। और मैंने बताया हुआ है कि 6 से 7 जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाते हैं तो IRP की स्टेज वन में डाला जाता है और निकाला जाता है, यानी कि जब 6 अपर सर्किट लगातार लगेंगे तो IRP की स्टेज वन में डाल दिया जाएगा, जब लोअर लग जाते हैं और तो उसको जनरली निकाल दिया जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि 6-7 में, मैंने मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे इनके शेयर्स का इस तरह के IRP वाले शेयर्स का एनालिसिस किया है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने मैक्सिमम शेयर्स में यही देखा है 6-7 में जनरली इसको बाहर निकाल देती है सेबी। तो यहाँ पर भी देखिए गाइस निकलने की संभावना, और अपने देखिए एकदम अपने प्रॉपर एकदम सपोर्ट पे आके टहल रहा है ये वाला भी, और फिर यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिख रहा हो यहीं पर ही अभी फिलहाल एग्जैक्टली
देखने को मिल रहा है। आज अगर आपको लोअर सर्किट दिखता है तो फिलहाल ये दोनों लेवल टूटने को हो सकता है दिख जाए, और फिर फर्दर आपको 1.5 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही मुझे लगता है ये बाहर आएगा तो यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा निकलने का, और जो आपके थोड़े बहुत पैसे बचे हैं शायद वो बाहर निकाल पाएंगे आप एज पर। ठीक है, चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जनरली सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं कोई सेविंग स्ट्रेटलिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी नेशन करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। और नए लोग भैया बिल्कुल दूर रहेंगे, IRP वाले शेयरों में नए लोगों को आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो फंसे फंसे हुए फंस चुके हैं उन्हीं को निकलने दीजिए, है ना। चलिए गाइस, धन्यवाद।